सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एच पी सी एल के रिजल्ट ने तो गजब का खेल खेल दिया यार। मतलब ये वीडियो मैं 2-3 दिन पहले ही बना था, लेकिन अब देख रहे हो पीछे यार, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का काम जो होता है उसमें काफ़ी यार टाइम नहीं रहता। मैंने आज सोचा आज बना ही दूँ, अभी जस्ट मैं सोचा कि अभी अपलोड ही करूँगा। आज तो वीडियो बनाऊँगा यार कि एच पी सी एल कैसा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कट ऑफ का पता ही नहीं चल रहा यार कि कट ऑफ क्या होगा। लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, आप ग्रुप में भी देखे होंगे। मैं क्या बताऊं उनको कि क्या कटअप है। चलो मैं ये बता दूं कि मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ, लेकिन ये जो एग्जाम का सिलसिला है ना, ये खत्म कर देना है भाई। मेरे को ना आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं एक पोल क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे ना यार, सीजीडी में अगर आप चाहे आप एस पी सी एल ले लो, बी पी सी एल ले लो, कोई भी संस्था, अगर कोई भी सी जी डी कंपनी एक्सपीरियंस बेस पे हायरिंग ले रही है, तो रीजनिंग एप्टीट्यूड और ये सारी चीज़ें को हटाओ, आप जी डी इंटरव्यू करवा लो। इंटरव्यू में पता चलेगा कि आप जिस लड़के की तलाश में हो, जो क्वालिफिकेशन, जो आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए वो है या नहीं है। अगर आपने क्या अपडेट किया एस पी सी एल ने, पहले क्या अपडेट किया भाई कि एग्जाम नहीं होगा। कितने लोग उसमें प्रिपरेशन नहीं किए, सडनली मेल आ गया कि आपका एग्जाम होगा। एग्जाम हो गया, अब कट ऑफ क्या गया ये भी अनाउंस नहीं हुआ। डायरेक्ट इंटरव्यू का आ गया कि नवंबर में इंटरव्यू होना है, जीडी का भी उसमें कोई मेंशन नहीं है। अब जब इंटरव्यू का आया तो पार्टिकुलर किसी किसी को आ रहा, पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें कट ऑफ क्या है। तो ये बहुत ही रेयर केस में, ये एक्सपेक्टेशन नहीं था ऐसा, लेकिन अनुमान लगा लो कि 115 और 120 के बीच में कट ऑफ होगा। और एस पी सी एल के अगेंस्ट में जो है अपने को ये एक पोल लॉन्च करूंगा अभी लिंक्डइन पे, ठीक है। और उसमें ये रहेगा कि एग्जाम कंडक्ट करना है या नहीं है। दोस्तों, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए रिटर्न एग्जाम कोई मायने नहीं रखता है। आप जीडी इंटरव्यू करवा लो, इंटरव्यू से पता चलेगा कि टेक्निकल स्किल्स है या नहीं। मैं देख रहा हूँ यार बहुत जगह, बड़े बड़े कंपनियों को, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे ये चल रहा है कि कैंडिडेट तो हैं, हायर्ड हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि टेक्निकल क्या है। समझ रहे हो, करने वाले लोग हैं और फिर बार बार रीवर्क और कितने इशूज क्रिएट हो जाते हैं, समझ रहे हो। एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हायर करो, ट्रेनिंग में लेना है तो वो उसका एक अलग प्रोसीजर लगाओ। लेकिन एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए आपको कभी भी ये रिटर्न वाला जो सिलसिला है उसको ख़त्म करो। और जो भी चीज़ें हैं तो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए यार, अभी तक लोगों को ये मालूम नहीं हुआ कि कट ऑफ कितना है। सो प्लीज़ वेट, अपन क्रिएट करेंगे एक पोल और करेंगे इस पर चर्चा बहुत हेवी वाले, ठीक है। सो मिलते हैं अगेन। और किसका किसका अगर मेल आया है तो वो जरूर शेयर करो, ताकि और भी लोग हैं उनको पता लग जाए कि एक एस्टिमेटेड कट ऑफ कितना है। मुझे लग रहा है 115 के ऊपर ही है, उसके नीचे नहीं है, ठीक है। सो करते हैं एस पी सी एल के अगेंस्ट कुछ हम, ठीक है।